और मुझे ये वाला फूड आज हमारा 2021 का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज। और उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मुझे उम्मीद है आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाएगा और बहुत सारे आपके प्लान्स होंगे और वो सारे पूरे हो आपके। सो हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक चैलेंज। 150 रुपीज मेरे पास होंगे, मेरा बजट, और उसी में हमें 24 आवर्स तक सर्वाइव करना है। जो भी मील हम खाएंगे सुबह से लेके शाम तक वो हमारा रहना चाहिए 150 के अंडर ही, मतलब 150 के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया हमारा बजट तो फिर हम वो चैलेंज जो है हार गए, समझ जाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 150 रुपीज इसलिए रखा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने क्यों रखा है। अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं हमें सुबह सुबह में क्या मिलता है। अभी सुबह सुबह का बजट है 10, जो हम चलते हैं। सो फाइनली अभी मैं आ गई हूँ मेरे घर के बाहर, ऑटो आने वाला है और हम देखेंगे ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं। और मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाते जाते हमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो ब्रेकफास्ट और लंच तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा। तो आगे चल के ही देखते हैं क्या होता है। गाइस देखो, मैं खड़ी हूँ यही वाली जो गल्फ कोस्ट रोड है और सेक्टर 54 वाला जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। बट वहाँ पे यू नो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी रेडियो वाला वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उस वजह से हमें जाना पड़ रहा है कोई दूसरा स्टेशन। यहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह यू नो ढाबाज वगैरह वो सब है। वहाँ पे खाना जो है बहुत महंगा है, तो हमारा बजट उतना नहीं है कि हम वहाँ जाके खा सके। तो अभी हम कहीं और चलते हैं, देखेंगे हमें कहीं और कुछ मिलता है। तो मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे, और मुझे ये वाला फूड पैक का कुछ स्टॉल मिल गया है। यहाँ पे हमारे बजट में हमें कुछ मिला, हमारा बजट तो नहीं बैठा, हम मुझे थोड़ा सा महंगा मिला। ब्रेकफास्ट के लिए हमें कुछ मिल गया है, 40 रुपीज़ लगे हैं उसके, हमने लिया है ग्रीन वाला जो सैंडविच था वो। ओके ये वाला सैंडविच कितने का है? 40 का बोल रहा है। ये वाला ग्रिल वाला, ब्राउन वाला? नहीं नहीं ग्रिल वाला 40। ये वाला ले लेते हैं अपन। कितने का? एक। ओके गाइज, राइट नाउ इट्स अराउंड 2 o'clock और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव से। इधर है ना बैग, आगे वाला ये है, आओ आओ ना, आगे वाला वो है। मैं एक बार लोकेशन भूलती नहीं हूँ, याद है मुझे। तो गाइज हम गुड़गांव से चले थे और हम पहुंच गए हैं नोएडा, और राइट नाउ आई एम एट बोटानिकल गार्डन का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। और वो सैंडविच खाया था उससे हमारा पेट नहीं भरा और ओके था, नॉट दैट मच टेस्टी। अभी यहाँ पे मुझे एक फूड स्टॉल देखने को मिला है, यहाँ पे अभी हम देखते हैं हमारा लंच में क्या हमें मिलता है, क्योंकि नहीं ये बहुत महंगा है, मेरे बजट का नहीं है। बर्गर किंग 30 रुपये का बर्गर नहीं खाना है मेरे को, और डोमिनोज भी, फिर मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। और अभी मेरे पास में 110 रुपीज़ बचे हुए हैं दोस्तों, और उसी में हमें पूरा दिन गुजारना है। दो बज गए हैं अभी। अबे के लिए क्या लेना है? हाँ तो उसके लिए ले लो जो लेना है, पहले उसे पूछ लो वो खाएगा कि नहीं। हम तो दोस्तों हमारे पास में जितना बजट है ना, वहाँ जाके हम पूछते हैं कि हमें क्या मिलता है वहाँ पे। ओके हेलो, ये देखो दोनों कुत्ते यहाँ पे लड़ रहे हैं। भाई कहाँ लड़ रहे हो? यहाँ पे मोमोज मिल रहे हैं,
मोमोज मिल रहा है क्या? क्या ये तो कॉर्न वाला है, मुझे लगा ना मोमोज मिल रहा है। उधर देखती हूँ उस साइड में। नहीं हमें अच्छा बहुत महंगा स्वीट कॉर्न वाला है 40 और 50 का। चलो वहाँ पे पूछते हैं, वहाँ पे भी कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सब बहुत महंगे हैं। हम कहीं और ऑप्शन देखेंगे अपना, यहाँ अपना काम नहीं बना। चलो वेज पार्सल से काम चला लेते हैं, अभी वो 35 रुपीस का आता है, टैक्स वगैरह लगा के 37 हो जाएगा आई थिंक। चलो मेरे लिए एक वेज पार्सल। अभी ने बोला कुछ खाने के लिए नहीं हाँ आएगा ठीक है, मेरे लिए वेज पार्सल एक एक ही लाना। ओके गाइस, तो हमारे बजट में मतलब हमें बाहर में भी कुछ नहीं मिल रहा था, इतना महंगा महंगा मिल रहा था 40 रुपीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना यार डोमिनोज का वेज पार्सल ही खाया जाए, मुझे जो सिंगी पार्सल जो होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम वही वाला खा लेते हैं अभी तो 35 रुपीज़ का। फिर बाद में देखेंगे यार क्या करूँ दोस्तों, मुझे कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थोड़ा 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 करके कर रहा है दोस्तों। गाइस, हम ना डोमिनोज पिज़्ज़ा में गए थे, बट हमारा जो पार्सल था, हमारा पार्सल नहीं मतलब ऑर्डर था, वो ऑर्डर हमारा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग आ गए और मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। अब मैं देखती हूँ, अभी हम हमारे रिलेटिव के घर पे आ गए हैं तो वो खाएंगे तो कुछ नहीं, बट हाँ देखेंगे बाहर से कुछ मंगवाते हैं कि नहीं। ओके दोस्तों, जो हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, हमने बहुत सारा पिज़्ज़ा मंगवाया, बट मेरा जो बजट वाला पिज़्ज़ा है ना वो 59 रुपीज़ का है, प्लस आप 18% GST लगा सकते हैं, 10-11 रुपये। दोस्तों तो फाइनली अभी मेरा पेट थोड़ा सा भर गया है, मैंने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हमने बहुत सारा ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, बट हमारा जो बजट था ना हमने उसका वो बजट में हमने पिज़्ज़ा डिसाइड कर दिया। मैंने ऑर्डर किया था जैसे कि आपको पता ही अनियन वाला 59 रुपीज़ का आता है, प्लस 18% GST हो गया, तो कितना हो गया 10-11 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप छोड़ लो, तो फिर भी हमारे बजट नहीं है। अब हमारे पास कुछ थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, अभी मैं बाद में काउंट करके बताती हूँ कितने पैसे बचा हुआ है, या स्क्रीन पे बता दूँगी। ओके तो अभी दिन का तो हमारा हो ही गया है, 3 से 3:30 हो गया आई थिंक। स्नैक्स में मेरे पास में कुछ भी नहीं है यार, इतना बजट नहीं है कि मैं खा पाऊँ, पर देखते हैं बाद में क्या होता है। ओके दोस्तों बाय। और मैंने मेरा जो बजट अभी बचा हुआ है ना वो सिर्फ 48 रुपीज़ अराउंड बचा हुआ है, तो मैंने 32 रुपीज़ का एक वो पॉकेट टाइप से मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी क्या है वो ऑर्डर किया है। बाकी मेरे पास में मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, जहाँ मैं रिलेटिव के यहाँ पे आई हुई ना वहाँ आसपास में भी मतलब रेडी वाला वगैरह कोई है ना ऑप्शन नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये 32 रुपीज़ वाला खाकर ही काम चलाना पड़ेगा और बस यही। गाइस सो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है, मेरे लिए ये वाला 32 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को, मैक पफ वेज पिज़्ज़ा मैक पफ 18% GST लगा के दे दिया।